का फेस वॉश चैलेंज। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज है क्योंकि मेरी इस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं एक अलग सा वीडियो लेके आई हूँ। तो कुछ दिन पहले ही मुझे ना किसी ने कमेंट में मतलब रिक्वेस्ट किया था कि आप साबुन से फेस वॉश का चैलेंज करो। तो मैं फिर सोची मैं ये करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अकवर्ड लगता है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ तो हमारे यहाँ पे बाथरूम वगैरह, मेरा मायके में बाथरूम नहीं है, मतलब नहाने की बाथरूम नहीं है, तो खुले में मतलब नल है, नल में हम नहाते हैं। तो मैं कैसे फेस वॉश चैलेंज करूँ, कहाँ पे क्या दिखाऊँ, आप लोग कैसे लोगे इस चीज़ को, ये सोच के मैं नहीं कर रही थी। फिर इससे मुझे एक दिन मैं लाइव की थी, लाइव में भी मुझे ये रिक्वेस्ट आया था कि आप फेस वॉश चैलेंज करो साबुन के साथ। तो मैं सोची ठीक है, आप लोग तो मुझे जानते ही हो और मैं जैसी हूँ वैसे आप लोग मुझे पसंद भी करते हो, तो ठीक है, मैं जैसे रहती हूँ जहाँ पे भी हूँ मतलब मायके में, उसी तरह से मैं वीडियो बनाऊँगी। तो मैं सोची थी कि मैं जब दार्जिलिंग जाऊँगी तो वहाँ पर मैं करूँगी अच्छे से, बट वहाँ पर लाइट की भी प्रॉब्लम नहीं होती, और यहाँ पर लाइट की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत ही सारा मतलब प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। तो फिर सोची क्यों ना मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का फेस कर ही लेती हूँ। तो फाइनली मैं आज लेके आई हूँ सोप का फेस वॉश चैलेंज। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज है क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव स्किन है, मतलब बहुत रैशेस निकल जाती है। साबुन से मैं फेस वॉश कभी नहीं करती हूँ, कभी मैं साबुन नहीं लगाती हूँ। मैं हम जब से पतंजलि निकली है मैं पतंजलि का ही फेस वॉश करती हूँ, मुझे वो सूट करती है। और साबुन से मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है और साबुन से तो पता है और ड्राई हो जाती है। तो आज मैं फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो, ये रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। और मैं एक नया साबुन लेके बैठी हूँ। तो साबुन आप देख सकते हो, ये है डेटोल का साबुन है और स्किन केयर विथ प्योर ग्लिसरीन मतलब है इसमें। तो ये साबुन अच्छा है, तो मैं सोची इससे मैं करूँ। तो मेरे पास लक्स भी है, तो मैं लक्स को नहीं, बहुत ड्राई होते हैं लक्स, डब और मतलब ड्राई होते, तो मैं सोची इसी से कर लेती हूँ। और बहुत झाक वाला, बहुत फैना वाला फेस वॉश मुझे करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट वीडियो लेके आई हूँ। पूरा वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिएगा, और कैसे कैसे वीडियो आप लोगों को मुझे मेरे से लेना है तो वो सब प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, इसके लिए मुझे जाना होगा मेरे नल पे, जहाँ पे मैं जहाँ पे हम नहाते हैं वहाँ पे। तो नल में तो वहाँ पे खुला है, तो वहीं पे आप देख लीजिएगा मैं फेस वॉश कैसे कर रही हूँ साबुन के साथ, झाक वाला फेस वॉश, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं। तो पहले मैं पानी से फेस को वॉश कर लूँगी, और किसी का बैड लूँगी तो देखिए पूरा झाग निकल के आया है। और मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी थोड़ा सा आँख को ओपन करूँ, थोड़ा सा आँख खोल के देखूँ क्या सही हो रहा है या नहीं, बट मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर रही थी, पूरा अंदर में जल रहा था मेरी आँख, तो मुझे यहाँ पे ठंडा पानी से धोना पड़ा।
पानी से धोने के बाद मुझे अभी अच्छा लग रहा है, तो चलिए मेरा साबुन से धोना फेस वॉश चैलेंज मेरा हो गया और मैं चलिए घर जाके अंदर जाके फिर बात करती हूँ। तो देखिए मैं अच्छे से फेस को क्लियर करके आ गई, मतलब फेस को साबुन से अच्छे से धो के आ गई, तो फेस तो बहुत क्लियर लग रहा है ना देखिए, बट ये सही नहीं है, मुझे सूट नहीं करती है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए एक दो सा छोटा छोटा पिंपल जैसा मतलब दिखाई दे रहा है ना, तो ये बाद में बड़ा हो जाएगा इस साबुन का असर से, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती है, फिर भी मैं आप लोग की रिक्वेस्ट रखने की कोशिश की, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसा लगा मेरा ये मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप का वीडियो, कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा। और आप लोग को कैसा कैसा वीडियो देखना है, किस तरीके से चैलेंजिंग वीडियो मेरे से लेना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर इसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। और इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को अभी एंड करती हूँ, और जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं छोड़ूँ वो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ नए कंटेंट के साथ, तब तक बाय बाय, बहुत अच्छा रहे और जल्दी मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, बाय।